हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं दर्शन, आज हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं टिहरी झील में। तो मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा और सुबह सुबह का ठंडा मौसम यहाँ पे। और रात को हम चंदवा में रुके थे और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नाश्ता करके हम पूरा टिहरी झील घूमेंगे और पूरा व्यू हम आपको भी दिखाएंगे और इंजॉय करेंगे साथ में। तो अभी मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, लेट्स गो। तो अभी मैं आपको उधर ले जाऊंगा जहाँ से ये झील शुरू हुई है, मतलब जहाँ झील का एंडिंग बोलो आप। तो यहाँ ये जो पार्ट है ये तकरीबन यहाँ से शुरू, चंबा से तकरीबन 12-13 किलोमीटर आगे यहाँ से शुरू होता है ये झील का एंडिंग पार्ट है ना। तो यहाँ से मतलब शुरू होती है झील, आगे कितनी लंबी है हमने भी देखी नहीं आगे। तो ये इसके ऊपर गाँव है, आज थोड़ा सा धुंध है ना, तो साफ दिखाई नहीं दे रहा। और इस तरफ तकरीबन चंबा है, ये जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से हम आए हैं। और काफ़ी सुंदर व्यू यहाँ पे, पानी देखिए, भागीरथी नदी पे ये बांध बना हुआ है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा और फिर मैं आपको आगे ले जाता हूँ। यहाँ से देखिए ये झील यहाँ से शुरू होती है। अब ये जो है आगे के लिए चौड़ी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। कितनी लंबी है हमें भी पता नहीं है, लेकिन शायद 9-10 किलोमीटर तो है ये। तो आगे आगे बनाते रहेंगे हम वीडियो, आप देखते जाइएगा। चलते हैं अभी और आपको रास्ते में दिखाएंगे यहाँ से कैसे दिखाई देती है जी। ओके, लेट्स गो। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम, झील बढ़ती जा रही है उसकी चौड़ाई। और ये यहाँ पे दुकानें हैं, ये छोटा सा मार्केट यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। ठंड बहुत है आज और थोड़ा धुंध ठंड के कारण, और झील से यहाँ पे काफ़ी धुंध हो रखी है, जो झील साफ नहीं दिखाई दे रही इसी कारण से। आप देख सकते हैं पहाड़ पूरे सीमेंटेड कर रखे हैं ताकि कभी भी भूस्खलन हो, यहाँ से डैम को किसी प्रकार का डैमेज ना हो, पूरा कवर कर रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे आगे पे पुलिस है, सीसीटीवी कैमरा लग रखा है। तो यहाँ पे कैमरा फोटो थोड़ा सा अलाव नहीं है, फिर भी हम चुपके बना रहे हैं आपके लिए वीडियो। गाइस देख लीजिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, ये देखो चौकी, चुपके से बना रहे हैं हम वीडियो आपके लिए। अरे देखिए यहाँ पे खूबसूरत सा नज़ारा, कितना अच्छे से मेंटेन किया है जो आप देख पा रहे होंगे। अभी हम उस पॉइंट पे हैं जहाँ से सुरंग के अंदर पानी जाता है और जो मेन डैम का मेन क्षेत्र है वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहा डैम और ये यहाँ से ये रोड है और आगे बंद है, बट ये जो पानी जा रहा है अंदर इस पार जिसमें मैं खड़ा हूँ, इधर अंदर पानी है और यहाँ से पानी यहाँ से अंदर जा रहा है पानी। और ये दो है, दो जगह से जा रहा है, दो सुरंगों से। ये देखिए पूरा तगड़ा व्यू जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये है मेन डैम का और यहाँ से ये ओवरफ्लो के लिए बनाया गया है ये। गाइज ये देखिए, आपको ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बांध है, मीन बांध है,
इससे ये रोड़े हैं आगे नीचे, ये रोड कटी हुई है और ये जो एरिया है ये ओवरफ्लो के लिए बना हुआ है। यहाँ पे ना ओवरफ्लो जो होता है इसके रास्ते ओवरफ्लो जाता है यहाँ साइड में, तो ये पूरी कितनी टेक्नोलॉजी से यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे ये देखिए आप छोटे छोटे सुरंगें दिखाई दे रही होंगी आपको, ये देखिए ये एक सुरंग ये है और एक सुरंग ये है, तो इस पर ऐसे ही बताते हैं चार सुरंग है, हाँ दो ये हो गई और तीसरी यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे एक सुरंग है और ये ठीक बिल्कुल यहाँ पे है सुरंग, यहाँ ये तीन सुरंग और एक सुरंग और है, तो चार सुरंगे हैं यहाँ पे। गाइस अगर थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पे डैम के बारे में दूँ आपको, तो यहाँ पे पहले टीरी शहर हुआ करता था जहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, और एक जो ये डैम है एम्बैंकमेंट डैम है यानी कि भूकंप रोधी डैम है, और ये जो है पूरा जब भर जाता है तो 42 किलोमीटर के स्क्वायर का एरिया को कवर करता है, और इसका जो हाइट है वो 260 मीटर है, जो एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। इस डैम का नाम जो है स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से है, और यहाँ पे टोटल जो बिजली उत्पन्न की जाती है वो है 2000 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है। इस प्रोजेक्ट को जो शुरू किया था 1978 में शुरू किया गया था और 2018 तक ये कम्प्लीट हो गया था। अभी हम वहाँ पे हैं जहाँ से बिजली बन रही है, और ये तो डैम मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ से यहाँ तक कोई नदी नहीं है, सूखी हुई है, और ये देखिए यहाँ पे पानी निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डैम का पूरा पानी बाहर आ रहा है यहाँ से। शायद अगर हम उस रोड पे जा पाते तो वहाँ से हम बेटर देख पाते। और ये यहाँ से हाइपरटेंशन आई है, और ये लेन है ये वहीं से आई है, ये शायद टेरी वालों के लिए है खाली। ये देखो पूरा यहाँ से, और ये जो लेन है आगे ये रोड जो नई टेरी जाती है, और यहाँ से पूरा आगे ये आगे रुद्रप्रयाग में मिलती है ये लाइन। और अब मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से बिजली जाती है बनके मीन, ये जो है ये यहाँ इनका पावर हाउस है, इस जमीन के अंदर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ अंदर सुरंगें हैं बहुत, एक सुरंग मैं आपको और दिखाता हूँ ये है यहाँ पे, तो इस पहाड़ के अंदर जिसमें हम खड़े हैं यहाँ पूरे अंदर विद्युत घर मतलब अंदर सुरंग बना रखी है और वहाँ से बिजली बना रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ से शुरू होती है बिजली बननी, और ये यहाँ से लाइन सप्लाई हो रखी है ऊपर के लिए, ये पूरे ये देखिए थोड़ा धुंध है दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये यहाँ से पूरा ये अंदर इसके अंदर टरबाइन से, पहले मैंने आपको देखा पानी सप्लाई कहाँ से कर रखा है, बिजली यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे पूरा ख़त्म होता है और ये नदी आगे की तरफ जाती है, फिर ये सॉरी मैंने रुद्रप्रयाग बोला, वो देवप्रयाग में मिलती है आगे, वहाँ अलकनंदा मिलती है आगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।